हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास दो लाइनें या तो वो पैरेलल होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा, कोई भी लाइन होती है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है तो उसे स्लोप किस तरह से फाइंड किया जाता है, स्लोप ऑफ ए लाइन का फार्मूला क्या होता है जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा की वैल्यू गिवन होती है तो फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। जब लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है तो स्लोप ऑफ ए लाइन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आप इससे पिछली वीडियो पार्ट वन देख लीजिए तभी आपके वीडियो ये समझ आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ जी, मान लीजिए कोई प्लेन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, कोई एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को नाम दे लेते हैं एल, और एक लाइन है ये, इस लाइन को नाम दे लेते हैं एम। ठीक है, अगर आप ये देखिए, यहाँ देखें, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या होती है, इस तरह की लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, एल और एम लाइन पैरेलल है। ठीक है, हाँ जी, ये जो लाइन एल है इसका भी कोई ना कोई स्लोप होगा, लाइन एल का भी कोई स्लोप होगा, उसको मान लेते हैं एम वन। ठीक है, ऐसी जो लाइन M है, क्योंकि इसको नाम दूसरा नाम दे लेते हैं, इसको N दे देते हैं क्योंकि स्लोप को भी मैं M से रिप्रेजेंट करूँ, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। हाँ जी, ये जो लाइन L है इसका स्लोप है मान लीजिए इसका स्लोप है M1। ठीक है, ऐसी जो लाइन N है उसका स्लोप है M2। ठीक है, अब जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तब तो इन दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इन दोनों के स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका स्लोप 1 है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 1 ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन है, ये कोई लाइन है, ये एल है। ठीक है दोस्तों, एक कोई दूसरी लाइन है जो इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ये जो एंगल यहाँ पे क्या, वो 90 डिग्री का बन रहा है। मान लीजिए दो लाइनें इस तरह से हैं, दो लाइन ये एल है और ये एन है। ठीक है, ये दो लाइनें हैं, ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है आपस में। ठीक है, तो ये क्या आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसका स्लोप मान लीजिए M1 है, इसका स्लोप है M2। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप के बीच की प्रोडक्ट, उनके स्लोप की प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से दो रिजल्ट आए, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, कोई लाइन है उसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, हु स्लोप इज 3, क्या गिवन है हमें, मुझे एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए प्लेन है, एक कोई लाइन है, ये मान लीजिए इस तरह से लाइन है, मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, मान लीजिए इसको M1 मान लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, एक किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, मान लीजिए इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का मुझे स्लोप गिवन है, हु स्लोप इज, इसका स्लोप मुझे गिवन है, मान लीजिए M2 है, वो क्या 3 है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ जी, अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, इस लाइन का स्लोप 5 है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपस में दोनों का पैरेलल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पैरेलल आ गया, मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाता, परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाता, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है, दो लाइनें हैं, एक लाइन का मुझे स्लोप है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, कोई लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है, मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, मान लीजिए लाइन है ये एल लाइन है। ठीक है, मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, ये जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये किसी अलग लाइन के परपेंडिकुलर है और जिसका स्लोप मुझे गिवन है, इसका स्लोप मान लीजिए ये लाइन एन है और इसका स्लोप M2 है, वो क्या 5 है, और इसका स्लोप मान लीजिए M है, M1 है, मुझे फाइंड आउट करना है। अब जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर ये लाइन L है, ये लाइन N है, इसका स्लोप M1 है, मुझे फाइंड आउट करना है और इसका स्लोप मुझे गिवन है। ठीक है, तो हाँ जी, परपेंडिकुलर होती है तो क्या रिलेशन होती है इसके बीच में, M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1 होता है। वैल्यू रखें,
एम वन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और एम टू की वैल्यू मुझे फाइव है तो माइनस वन, यहाँ से एम वन की वैल्यू निकाल लें आप, ये नीचे चला जाएगा माइनस वन बाई फाइव, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस के वन बाई फाइव, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए ये बोले हाँ जी तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, वन है, और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है इन दोनों की प्रोडक्ट करें, इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए मेरा, माइनस वन आना चाहिए। हाँ जी इसका स्लोप मुझे निकालना है, इसको एम वन मान लेते हैं और इसका स्लोप क्या, वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो एम वन क्या आ गया माइनस वन, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया माइनस वन, ठीक है। तो आपसे किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मुझे एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, और जो वो लाइन है जिसका मुझे स्लोप फाइंड करना है वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, और जो वो क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है विद एक्स एक्सिस, कैसे है ये देखते हैं। मान लीजिए कि प्लेन है, हाँ जी ये दो लाइनें हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस लाइन एल का मुझे स्लोप फाइंड करना है, और ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन है कोई एन है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये जो दूसरी लाइन है ये कितने एंगल का, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हाँ जी, अब जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, क्योंकि ये स्लोप निकालने के लिए मुझे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता होना चाहिए, अब इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता है, मैं यहाँ इस फार्मूले में रख के स्लोप निकाल सकता हूँ, तो इसका स्लोप क्या देगा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 क्या होता है, वन बाय रूट थ्री। हाँ जी इस लाइन का स्लोप आ गया वन बाय रूट थ्री। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर इसका वन बाय रूट थ्री स्लोप है तो इसका भी क्या आ जाएगा, वन बाय रूट थ्री, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, दिया होता यहाँ पे विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कैसे करते, हाँ जी परपेंडिकुलर दे रखे हैं, अब क्या दे रखे हैं इसने, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक लाइन है जो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है, यानी कि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है। अब जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है तो इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्लोप निकालने के फार्मूले दो होते हैं, तो ये और एक ये, अगर ये गिवन है थीटा गिवन है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 क्या होता है, वन बाय रूट थ्री, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, एम वन मान लेते हैं, वो क्या वन बाय रूट थ्री। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे इसका निकालना है, ठीक है, इसका मुझे स्लोप निकालना है। अब जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, माइनस वन होती है। फार्मूला रखें आप, वन बाय रूट थ्री एम वन मल्टीप्लाई एम टू, ये मुझे निकालना है, किसी को भी एम वन एम टू मान सकते हैं, माइनस वन है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो एम टू क्या आया, माइनस के रूट थ्री, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का पहले मैंने स्लोप निकाला, क्योंकि फार्मूला मेरे पास एम इज टेन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू पुट की इस लाइन का स्लोप आ गया। अब मुझे इसका फाइंड करना था, आपस में दोनों परपेंडिकुलर है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो मुझे इसका, तो इसका स्लोप फाइंड हो गया, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मुझे किस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो किस लाइन के पैरेलल है, किस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए कोई प्लेन है, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है m1, और इसका स्लोप m2 है, ठीक है, मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। हाँ जी, और मुझे कंडीशन क्या गिवन है, जो ये लाइन है, ये लाइन l है, ये लाइन n है, ये लाइन है इस लाइन के क्या पैरेलल है, ठीक है। और मुझे गिवन क्या है, जो ये जिस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, ये लाइन है किन पॉइंट से पास कर रही है, 6-4 से और 2-12 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सिंपल है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था जब भी लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास करती है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, तो ये आपस में दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, क्योंकि जब दो लाइनें से पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लूँगा, कैसे निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, तो ये फार्मूला लगेगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी को आप इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये कैसे निकालते हैं। हाँ जी, y2 माइनस के y1 बटे में y2 माइनस के y1 बटे में x2 माइनस के x1 कितना आ गया, 8 बटे में क्या आ गया, माइनस के 4, तो क्या आ गया, माइनस के 2,
ठीक है। हाँ जी, अगर इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप माइनस दो है, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, माइनस के दो। ठीक है, तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया होता, विच इज परपेंडिकुलर, मैं ऐसे साइन, ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये दो लाइनें आपस में क्या है, जो दो लाइनें हैं, दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इसके पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, इसके पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दे रखे हैं मुझे, 6, 4 और 2, 12। ठीक है, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, इस लाइन का स्लोप मैंने निकाल दिया, वो क्या, माइनस दो आया। इसको एम वन मान लेते हैं, माइनस दो, इसको एम टू। अब आपको पता है जब दो लाइन से परपेंडिकुलर होते हैं तो ये रिलेशन होता है, फार्मूला अप्लाई करें, माइनस टू मल्टीप्लाई एम टू इज इक्वल टू वन, और एम टू की वैल्यू मुझे चाहिए, ये माइनस वन होता है, ये इससे कट गया, तो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस दो, ये तो यहाँ से आ गया था, और इस लाइन का स्लोप आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरह आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए किसी भी लाइन का स्लोप किस तरह से फंडेड किया जाता है। जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन होता है तो फार्मूला ये होता है, जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तब फार्मूला स्लोप निकालने का ये होता है। ठीक है, और जब दो लाइनें पैरलर होती हैं किसी एक प्लेन में, मान लीजिए कोई प्लेन है, और जब दो लाइनें पैरलर हैं, पैरलर किसी तरह से भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, पैरलर हैं, जब दो लाइनें, ये पैरलर का साइन है, जब दो लाइनें पैरलर होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, आपको एक लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा, दूसरी का पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको अगर इस लाइन का स्लोप दे दिया जाए तो इसका पूछ ले, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।